कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बाप मर रहे हैं कि हमारी माँ मर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे करीबी मर रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमें सत्ता चाटनी है, बस सत्ता का सुख हमको लेना है। ऐसे बेशर्म नेताओं को कोरोना होगा क्या, ये देखना पड़ेगा। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता अमूमन तौर पे, लेकिन जिस तरीके से पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है भगवान साक्षी है। जैसे हमारे गांव में कहते थे ना कीड़े पड़े, मैं वैसा नहीं कहता, लेकिन उससे कम भी मेरे मन में भावना नहीं है इस वक्त। क्या अंधेर गर्दी मचा के रखी है नेताओं ने, अधिकारियों ने, सिस्टम ने। चुनाव नहीं होगा तो जान चली जाएगी क्या, सत्ता नहीं पाओगे तो मर जाओगे क्या? लेकिन सत्ता पाने की लालसा में जिस तरीके से तमाशा हमारे नेता कर रहे हैं, इस मंद बुद्धि और वैचारिक अंधेपन का शिकार हो चुके चुनाव आयोग के दौर में, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं ना, कापर करूं संग सिंगार कि पिया मोरा अंधर रे। चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल के साथ यही हो रहा है, दोनों एक दूसरे की खुजा रहे हैं सत्ता चाटने के लिए। शर्म आती है, 140 145 करोड़ के भारत में कोई भी ऐसा मर्द नेता नहीं है जो खड़े होकर मंच से कहे कि नेतागिरी बाद में, लोगों की जिंदगी बचाने का काम पहले। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता कि रैली में मेरी मत आओ, मोबाइल पे आपका मेरा भाषण मिलेगा आपको, मैं वर्चुअल भाषण करूंगा, आप लोग अपने घरों में रहिए, मेरा भाषण सुनिए, रैली पे मत आइएगा, मतदान करने का समय बढ़ा दीजिए, सुबह 6 से रात के 10 कर दीजिए, लंबी लंबी कतारें मत लगने दीजिए, आराम से लोग आए वोट डालें अपने घर जाएं, सत्ता भी मिल जाएगी और लोगों की जिंदगी भी बच रह जाएगी। लेकिन शर्म आती है मुझे अपने बेशर्म नेताओं पर। ऐसे हैं हमारे भारत के जनप्रतिनिधि जिन्हें वोट देकर हम चुनते हैं, जिन्हें हमारी जिंदगियों का कोई भी मोल नहीं है। आपको मरना हो तो मरते रहिए, साहब तो बैठे हैं मौज में। बहुत बढ़िया, एक और एपिसोड खत्म हो गया। आगे और कितने एपिसोड खत्म होंगे मुझे नहीं पता, हमारे नेताओं की बेशर्मी कब खत्म होगी मुझे इसका इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जो कहूंगा सच कहूंगा।